नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ने 11 और 12 फरवरी 2023 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बाहुबली डीडीए पार्क सूरजमल विहार दिल्ली में अपना बहुप्रतीक्षित 25वां वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी आयोजन किया। यह पुष्प प्रदर्शनी आम जनता के लिए बागवानी को बढ़ावा देने और पर्यावरण के मुद्दे के बारे में जागरूक करने का एक प्रयास रहा। 11 फरवरी शनिवार को दोपहर 1 और 2 बजे के बीच कवि सम्मेलन रहा, जिसमें श्रीमती रचना जैन, डॉक्टर संजय जैन, डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति, सुश्री कामना मिश्रा, श्री भूपेंद्र राघव, सुश्री सरिता गुप्ता, डॉक्टर अवधेश तिवारी, सुश्री रीता आदा, सुश्री उषा श्रीवास्तव, सुश्री निधि भार्गव, सुश्री सुदर्शन मित्तल, सुश्री अंजू जैन मंचासीन रहे और कवि सम्मेलन में बसंत काव्यधारा प्रस्तुत कर श्रोताओं का मन मोह लिया, जिसका मन संचालन बड़े ही मनमोहक अंदाज में सुश्री कामना मिश्रा ने किया। और दोनों दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता रही। बागवानी सामग्री, खाने पीने की चीज़ों की बिक्री भी रही। इस पुष्प प्रदर्शनी में प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए हर साल दिल्ली NCR के विभिन्न हिस्सों से प्रतिभागी आते हैं। संस्थान सरकारी और निजी दोनों तरह के पौधे, कंटेनर, लैंडस्केप, स्पॉट गार्डन, फूलों के जानवर और उत्सव की सजावट, जिनका आनंद बागवानी प्रेमियों ने खूब लिया। हर साल संस्था एक अलग विषय पर पुष्प प्रदर्शनी करती है। यह पुष्प प्रदर्शनी न केवल पर्यावरण के प्रति शिक्षित करती है, बल्कि पर्यावरण को बचाने के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जनता को प्रेरित भी करती है। इन प्रतियोगिताओं और गतिविधियों के अलावा विभिन्न प्रकार के पौधे, गमले के पौधे, बागवानी से संबंधित सामान के स्टॉल भी इस प्रदर्शनी में मौजूद रहे। तो दोस्तों, इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की यह पहल, यह प्रयास, यह आपको कैसा लगता है? इस प्रदर्शनी से संबंधित अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें हमारी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। और अधिक जानकारी के लिए हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।